मदरसा अल जामियातुल साबिरा लिल मनात अशरफ अनिसुल उलूम अशरफ नगर नसीरपुर संभल रोड में सालाना जश्न दस्तारबंदी जलसा मुनाकित हुआ। जलसे का आगाज माह नूर साबरी ने तिलावत कुरान पाक के साथ किया। इसके बाद बारगाह रिसालत में मदरसे की तलीबात हुस्ना कादरी, सानिया साबरी, मुफ्तसीर साबरी, महक साबरी, फरहा साबरी, बुशरा साबरी और बुशरा अशरफी ने नात पाक का नजराना पेश किया। जलसे को खिताब करते हुए शबाना अमजदी ने कहा कि इस्लाम हमें इंसानियत, प्यार मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। हमें अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी ज़रूर देनी चाहिए, जिससे उनके हर बात को समझने की काबिलियत पैदा हो। जलसे को मौलाना मुफ्ती सैफ अली और मौलाना अल्लामा मोहम्मद अकील ने खिताब किया। जलसे के बाद मदरसे से किरात और मौलवियत, आलमियत और फैजलियत की तालीम मुकम्मल कर 22 तलीबात की दस्तारबंदी की गई। तलीबात को इनामात देकर और गुलपोशी करके विदा किया गया। दस्तारबंदी और जलसे में मदरसे के बानी और मैनेजर कारी मोहम्मद आमिर रजा अशरफी, प्रिंसिपल नाहिद फातिमा साबरी अशरफी, मरहज फातिमा अशरफी, मिसबा साबरी, ताशिबा साबरी, नजदाना साबरी, नाजरीन साबरी, सानिया साबरी समेत बड़ी संख्या में मदरसे की तलीबात और महिलाएं मौजूद रहीं। ये सालाना
रिदा पोशी होती है, इसमें रिदाए खिरात और रिदाए फजीलत होती है। अलजामतुस साबिरा लिलबनात अशरफ नगर मुरादाबाद संभल रोड ज़िला मुरादाबाद का ये एक नुमाया और बड़ा इदारा है जो 2008 से पहले संभल में क़ायम किया गया, फिर यहाँ अशरफ नगर आया और इसने बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं और सैकड़ों आलिमात फाजिलात यहाँ से पढ़ के फारिग हुई हैं। उनको जब पढ़ के फारिग होती हैं तो हम उनको सनदें देते हैं और मार्कशीट तकसीम की जाती है और इनके जो सर्टिफिकेट होते हैं वो दिए जाते हैं क़िरात के, आलमियत के, फजीलत के। सालाना ये इस मौके पे ये बड़ी खुशी का मौका होता है कि बच्ची ने 8 साल 10 साल पढ़ा है, अब वो अपने घर जाने वाली है और कौम मिल्लत की जाके खिदमत करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बच्चियाँ पूरे हिंदुस्तान में कौम मिल्लत की खिदमत कर रही हैं और जगह जगह ख़वातीन को तालीम देने का काम कर रही हैं, मुल्क व मिल्लत से मुरव्वत व मोहब्बत और उनसियत सिखा रही हैं, बता रही हैं कि हमारा ईमान का हिस्सा है अपने मुल्क से मोहब्बत करना। हमारा दीन जो है ये सिखाता है कि मुल्क से भी मोहब्बत करो, अपने हमसायों से भी मोहब्बत करो, अपने हमसायों से बहुत अच्छी तरह से अखलाक के साथ पेश आओ, किसी को तकलीफ़ मत दो। यही सब चीज़ें हम पढ़ाते हैं और ये इदारा इसी की खिदमत करता है।